हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी 2019 का एक क्वेश्चन गेट में जो पूछा गया है। जिस तरह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन 20, 21, 22 और 18, 19, इस तरह से प्रीवियस ईयर के टोपोलॉजी के गेट के जितने सॉल्यूशन मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे अपलोड करूँ, तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट T1 एंड T2 बी टोपोलॉजीज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वेयर T1 इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाई बी। मतलब T1 जो टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है वो इस टाइप के बेसिस का एलिमेंट से एलिमेंट जनरेट हो रहा है। इस टाइप का बेसिस एलिमेंट क्या, किस टाइप का बेसिस एलिमेंट होगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 2, फिर 2 3, फिर सॉरी 3 4 होगा, 2 रखेंगे तो 5 6 होगा, इस तरह से 7 8 होगा। T2 इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन n। डिस्क्रीट टोपोलॉजी से सभी कोई परिचित हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगा, n के जितने सबसेट होंगे, पावर सेट ऑफ एन T2 के एलिमेंट होंगे, ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर विल बी एलिमेंट ऑफ T2, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। नाउ NT1 इज एवरी इनफाइनाइट, NT1 टोपोलॉजिकल स्पेस में एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट, और अगर फंक्शन इस टाइप का है जहाँ पे fn n/2 है n इवन के लिए, n+1/2 है n ऑड के लिए, इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऐसा बोला है स्टेटमेंट, तो क्या होगा, ट्रू होगा गलत होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले देखते हैं कि NT1 एवरी इनफाइनाइट सेट, तो NT1 में ओपन सेट किस टाइप का है, NT1 में जो ओपन सेट बनेगा 2n-1 2n, इस टाइप के एलिमेंट के यूनियन से बनेगा। टोपोलॉजी के एलिमेंट जनरेट कैसे होते हैं, बेसिस के कॉन्टेबल यूनियन से जनरेट होते हैं, तो इस टाइप का जितना यूनियन होगा इसके, लाइक ये हो जाएगा 1 2 3 4, फिर इस तरह से जितना यूनियन करेंगे सारे टोपोलॉजिकल एलिमेंट मिल जा रहे हैं। तो टोपोलॉजिकल एलिमेंट आपको मिल जा रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या हर एक इनफाइनाइट सेट का एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो देखते हैं, मान लिया इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट कैसे बनेगा, नेचुरल नंबर में अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बना दें तो भी इनफाइनाइट सेट होगा, नेचुरल नंबर में अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हटा दें तब भी वो इनफाइनाइट होगा। तो दो केस हो सकता है, फर्स्ट केस सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि अगर इसमें हम चेक कर लें कि एन में अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हटा दें तब भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, तो इसके लिए ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं कि इसका एक लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करते हैं। तो क्या केस हो सकता है कि मान लिया कोई पॉइंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, एक्स मान लिया इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट में अगर कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा है तो यानी ए में नहीं है और ए एन में है, तो एक्स को कंटेन करने वाला नेबरहुड, सबसे छोटा नेबरहुड क्या होगा। क्यों छोटा बोल रहा हूं, अगर छोटा के साथ इसका नॉन इंपटी इंटरसेक्शन होगा तो बड़े वाले के साथ तो होगा ही, तो सबसे छोटा नेबरहुड इसके साथ क्या होगा। अगर ये इवेन होगा तो मान लिया 2x होगा ये, तो ये 2x-1 2x टाइप का एलिमेंट नेबरहुड, सबसे छोटा नेबरहुड होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2x अगर इस सेट का एलिमेंट है तो 2x माइनस, तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका नेबरहुड छोटा जो है इसको 2x हटा दें तो इसके साथ इसका नॉन इंपटी इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो अगर हो सकता है 2x-1 इसका एलिमेंट हो तो ये पॉइंट नेबरहुड नहीं होगा, ये पॉइंट सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि बाहर का पॉइंट हो, अगर ए इसका पॉइंट हो, तो इसका पॉइंट हो, तो इसका पॉइंट हो लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, इसका पॉइंट लिमिट पॉइंट तब होगा जब इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा नेबरहुड हो उसके साथ नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन से, बट ऐसा होगा इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा नेबरहुड मान लिया इसी में हो, दूसरा एलिमेंट जो होगा छोटा नेबरहुड का दो पेयर पेयर टाइप का नेबरहुड होंगे, एक एलिमेंट इसका दूसरा पेयर भी इसी में लाइक कर जाए, तो इसके साथ क्या होगा इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन देगा, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट वो भी नहीं होगा। ऐसा हो कि इसका दूसरा पेयर जो है इसमें बिलोंग करे, दूसरा पेयर लाइक 2x-1 इसमें बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, तो ए में बिलोंग करेगा तो क्या होगा 2x-1 2x-1
मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका दूसरा पेयर इसमें बिलोंग करे, तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। टू एक्स माइनस वन इसमें बिलोंग कर रहा है और एक पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि इस पर अगर टू एक्स माइनस वन छोटा नेबरहुड ये हुआ, इस पर टू एक्स माइनस वन बाहर किए, तो टू एक्स तो इसमें है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक पेयर नेबरहुड का इसमें है, एन में है, दूसरा पेयर ए में है, तो टू एक्स माइनस वन का जो दूसरा पेयर होगा उसके चलते ही इसका क्या होगा, एन माइनस ए के साथ नॉन इम्पर्ट इंटरसेक्शन मिलेगा, इसके चलते क्या हो जाएगा, तो ऐसा केस मिल जाएगा, इसलिए तो लिमिट पॉइंट होना ही होना है। एक कोई ऐसा लिमिट ऐसा पॉइंट मिलेगा ही जिसका दूसरा पेयर जो है इसमें हो, और ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन है, तो जो सेट इसमें नहीं है, मतलब जो इसमें नहीं है वैसा एलिमेंट तो लिमिट पॉइंट होगा ही, जिसका एक पेयर इसमें हो, एक पेयर इसमें हो, सबसे छोटा नेबरहुड वाला, तो वो सारे पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा वो सारे एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो नेबरहुड होगा उसके चलते वो पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो हर एक केस में ऐसे में एक ना एक लिमिट पॉइंट तो जरूर मिलेगा, ये क्लियर होने चाहिए। मैं क्या बोला कब कौन से केस में लिमिट पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट जिसका दूसरा पेयर सबसे छोटा नेबरहुड का इसमें हो, बाहर हो, और एक इसमें हो, तो क्या दिक्कत है, ये बाहर है बट जो इसमें कंटेन उसके चलते नॉन इम्पर्ट इंटरसेक्शन मिल जाएगा और वो पॉइंट लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, और ऐसा होना ही है, क्लियर। तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड ऑप्शन एफ एन टी वन से एफ एन टी टू बी डिफाइंड दिस ऐसे डिफाइन है, तो देखते हैं कोई भी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी अगर ओपन सेट ले इसमें तो इसका नेबरहुड होना क्या होना चाहिए, इसका प्री इमेज क्या होना चाहिए, इसमें ओपन होना चाहिए, कोई भी ओपन सेट इसमें ले कोडोमेन में तो उसका प्री इमेज भी इन्वर्स इमेज ओपन होना चाहिए दिस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो ठीक है, एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यूटी का पूछा गया है गेट में, जो कि डोमेन में डिस्क्रिट ले लेता है, तो ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाता है, क्योंकि डोमेन अगर डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस में हो तो कोई भी सबसेट मिलेगा वो सारे सेट ओपन सेट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि टी टू में ओपन सेट लेना है, तो टी टू में ओपन सेट मान लिया, ले लिए कोई भी ओपन सेट, टी टू में हम टी टू ओपन सेट टी टू डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो वन भी ओपन है, टू भी ओपन है, तो वन का इन्वर्स इमेज क्या क्या आएगा, एन इवेन होगा तो टू ले लो तो ये आएगा, वन ले लो तो भी वन आएगा, टू के लिए क्या क्या आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, है ना, एन बाई टू इज इक्वल टू वन रखो तो एन बराबर टू आएगा, एन बाई टू इज इक्वल टू वन रखो तो एन इज इक्वल टू वन आएगा, तो वन टू क्या है, वन का इन्वर्स इमेज आ रहा है, और वन टू टाइप का ही एलिमेंट तो क्या है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट हैं, क्योंकि इस टाइप के बेसिस का से ऐसे हम ओपन सेट जनरेट करवा सकते हैं इसका यूनियन करके, तो सबसे छोटा के लिए पॉसिबल है, तो इसमें हर एक ओपन सेट के लिए इसका इन्वर्स इमेज क्या हो जाएगा, इसमें ओपन मिल जाएगा, ये हम देख लें एक केस के लिए, आप कोई भी ओपन सेट ले लो इसका यूनियन ले लो तो भी पेयर में ही मिलेगा, जो भी इन्वर्स इमेज मिलेगा ना कोई भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जैसा फंक्शन डिफाइन किया हुआ उसका इन्वर्स इमेज क्या मिलेगा, पेयर में मिलेगा, और पेयर टाइप का एलिमेंट ही टी वन टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट होंगे, क्योंकि पेयर टाइप का एलिमेंट के बेसिस से जनरेट होने वाले सारे ओपन सेट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ट्रू, सो बोथ वन एंड ट्रू आर ट्रू। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।